नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उदयपुर शहर में सोमवार को संपन्न हुई एक शादी में दुल्हा दुल्हन और परिवार ने अनूठी मिसाल पेश की है। दुल्हन वर्षा नागदा और दूल्हे दिग्विजय ने अपनी शादी की रस्मों की शुरुआत भाई के रक्तदान के साथ की। सामाजिक संगठन हवेली परिवार की इस पहल का दोनों परिवारों और शादी में आए मेहमानों ने भी भरपूर समर्थन दिया। शादी में कुल 31 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान को जरूरतमंदों के लिए MB हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को भेंट किया जाएगा। हवेली परिवार के सदस्य और भाजपा उदयपुर देहात के मीडिया सह संयोजक संजय नागदा ने बताया कि अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए वर्षा ने अपनी शादी में रक्तदान शिविर लगाने की इच्छा व्यक्त की थी। उनका उद्देश्य यह था कि इस मुहिम से जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध हो सकेगा। हवेली परिवार ने कोरोना काल में भी कोविड पीड़ितों हेतु संसाधन जुटाने से लेकर अस्पताल में रक्त उपकरण, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि उपलब्ध करवाने के प्रयास किए। कार्यक्रम में दोनों परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही हवेली परिवार के सदस्य हेमंत आमेटा, पूर्व राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष BN ओल्ड बॉयज महासचिव भानु प्रताप सिंह सोलंकी, राजेश कुमार माली, आयुष लोढ़ा, रौनक बंसल, काव्य महाजन आदि उपस्थित रहे।